हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज उमेश भारद्वाज वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम एंड ट्रेन के जितने भी क्वेश्चंस आपके DOE एंड MCERT के प्रीवियसली एग्जामिनेशन में पूछे गए। टोटल 31 क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन हमने कल की वीडियो में किए। पार्ट टू में 16 क्वेश्चन करेंगे, ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन। साथ साथ बताते हुए चलूंगा कि एग्जामिनेशन में आपको किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर देखिएगा, क्वेश्चन है एवरेज स्पीड को लेकर। बोला गया है कि भाई एक ट्रेन है 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है 50 की स्पीड से, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं 60 की स्पीड से, और 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं 90 की स्पीड से। भाई हमें निकालनी है एवरेज स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो हमें वो टोटल कवर्ड डिस्टेंस चाहिए, सो ये रहा टोटल कवर्ड डिस्टेंस, और डिनोमिनेटर में टाइम चाहिए। टाइम कहाँ से निकलेगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। सो इसी तरीके से हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में टाइम लिया। आपको कैसे लिखना है पेपर के अंदर, आपको पता है 20/50 क्या होता है 2/5, 40/60 क्या होता है 20 × 2 = 40, और 20 × 3 = 60 2/3। आपको डायरेक्ट वो फ्रैक्शन लिखनी है। डिनोमिनेटर से आपको क्या करना है, LCM लेना है डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का, देन कैलकुलेट कर देना है। आपका यहाँ पर LCM आएगा 15, ऊपर 120 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सम मिलेगा आपको 26, कट करोगे 69.2 आपका आंसर मिलेगा, जो कि यहाँ पर रहा। ठीक रही बात, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। आगे और भी बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, देखिएगा जरूर। बोट एंड स्ट्रीम के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोट एंड स्ट्रीम से ही आ गया, और मैंने लिखा है यहाँ पर डू योर सेल्फ। हल्का सा हिंट दे देता हूँ आपको, इक्वेशन अगर बनाने में प्रॉब्लम हो या हिंदी का वर्ड समझ में ना आए, उग्र प्रवाह का मतलब होता है आपका अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम बोले तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, x - y। अनुप्रवाह का मतलब होता है डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, x + y। बस आपको इतना ध्यान रखना है। कहने का मतलब 18 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है x - y से, 24 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है x + y से, और दोनों का टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम 2 घंटे 42 मिनट। आपको इक्वेशन बना देनी है, और मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है धारा का वेग, यानी कि किस की वैल्यू, y की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू आपको देखनी है, और आप डायरेक्ट मल्टीपल से जा सकते हैं। क्वेश्चन कीजिएगा, नहीं समझ में आए अगले क्वेश्चन देखिए, वहाँ पर भी मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको बताया हुआ है। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन आया स्टॉपेज बेस्ड, और स्टॉपेज बेस्ड मैंने कल आपको 3 से 4 क्वेश्चन कराए थे, सो चलिए वर्बली देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा भी है सॉल्व वर्बली। भाई देखिए यहाँ पर बोला गया है कि रेलगाड़ी 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और हमें स्टॉपेज का टाइम बताना है, 1 घंटे में कितना टाइम का स्टॉपेज ले रही होगी। मैंने आपको बताया था कि भाई अगर सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से चला जाए तो स्पीड का जो रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 70/63। सो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 63/70, और आप इसे 7 से कट करोगे तो ये 10 और ये 9। यहाँ पर डिफरेंस कितना आया, 1। 1 घंटे का मतलब कितना होता है, 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट आया, और ये रहा टाइम जब वो स्टॉपेज ले रही है 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सो 60/10 आप करोगे, आपको आंसर क्या मिलेगा, 6। यानी कि 1 घंटे में 6 मिनट का स्टॉपेज मिल रहा है। सो जल्दी जल्दी आप कर सकते हो, वर्बली कर सकते हो पेपर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोट एंड स्ट्रीम से, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, समझ कर चलना पड़ेगा, सो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई 2 घंटे में एक नाव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ध्यान दीजिएगा कि भाई 7.5 किलोमीटर चलती है अपस्ट्रीम से, 9 किलोमीटर चलती है डाउनस्ट्रीम से। सो इन वैल्यूज़ के बेसिस पर ये इक्वेशन ड्रॉ की। सेकेंड इक्वेशन के लिए सेकेंड वैल्यू क्या है, 2 घंटे 45 मिनट में 9 किलोमीटर अपस्ट्रीम की स्पीड से चलती है, 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम की स्पीड से चलती है, तो यहाँ से सेकेंड इक्वेशन। मैंने क्या किया, पहली इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई किया, दूसरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया ये देखिएगा, यहाँ पर भी 90 बन जाएगा, यहाँ पर भी 90 बन जाएगा, और अगर मैं पहली में से दूसरी माइनस करूँगा सो मेरे पास वेरिएबल सिर्फ एक रह जाएगा x - y की फॉर्म में, ये वाली वैल्यूज़, ठीक है, और दूसरा रहेगा टाइम। यहाँ से अगर मैं पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस करता हूँ, कुछ ये चीज़ मिलेगी मुझे, मुझे पता चलेगा कि भाई 21/x - y = 7/2 है, और यहाँ से x - y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 6। आप अब इतने स्टेप करने के बाद ऑप्शन से जा सकते हैं, अदरवाइज क्या करना है आपको, अब आपके पास x - y की वैल्यू तो आ ही चुकी है, सो करना सिर्फ इतना है कि ये वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यहाँ पर आपको मिलेगा 9/6 यानी कि 3/2, और 3/2 को 11-4 में से माइनस कर दीजिएगा कुछ इस तरीके से, और आपके पास x + y की वैल्यू आएगी 12,
और अब आप देख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12, यानी कि 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, 9 प्लस इज इक्वल टू 12। एक्स की वैल्यू अगर पूछी जाए तो 9 आ जाएगा, वाई की वैल्यू पूछी जाए तो 3, यहाँ पर वाई की वैल्यू निकालनी है। ये रहा आंसर, अच्छे से देखिएगा, डबल अपने ट्राई कीजिएगा और फिर आगे मूव कीजिएगा। चलिए हम बढ़ लेते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल भी कैलकुलेटिव नहीं है। देखिएगा, बोला गया है यहाँ पर कि एवरेज का क्वेश्चन है ना, ठीक है भाई, औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। भाई टोटल डिस्टेंस चला 300 कहाँ से, 100 ये और 200 ये। अब क्या लेना है डिनोमिनेटर में? टाइम। टाइम कहाँ से आएगा भाई? डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ जाएगा। तो ये हमने डिस्टेंस अपॉन स्पीड लेकर सॉल्व कर दिया, यहाँ पर आपको आंसर मिला 69/2, सिर्फ इतना करना है। ओके चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से आपका पोटेंस टेम से, लेकिन इक्वेशंस थोड़ी सी अलग करने का तरीका थोड़ा सा अलग, सीखते हुए चलिएगा। क्वेश्चन मैं बताता हूँ, सॉल्यूशन अदरवाइज आपको दिखाई नहीं देता, ऐसे नहीं करता तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा क्वेश्चन। देखिएगा क्या बोला गया है क्वेश्चन में, कि भाई 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है अपस्ट्रीम से, 18 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है डाउनस्ट्रीम से, और टोटल टाइम लगता है 4 घंटे। सेकेंड इक्वेशन के लिए सेकेंड वैल्यूज दी हुई है कि 18 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है अपस्ट्रीम से, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है डाउनस्ट्रीम से, और टाइम लगता है 4 घंटे 15 मिनट। अब क्वेश्चन को कैसे समझना है ये आप बिल्कुल धीरे से सुनिएगा, बहुत अच्छे से। भाई आपको पता है ना कि ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है वो आपका डाउनस्ट्रीम से किया जा रहा है, लेकिन डाउनस्ट्रीम से यहाँ पर 18 किलोमीटर चल रहा है और यहाँ पर 15 किलोमीटर चल रहा है, 3 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है डाउनस्ट्रीम में, तो टाइम कम लग रहा है। कितना कम लग रहा है? 15 मिनट कम लग रहा है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और भी समझनी होगी कि यहाँ पर भी टोटल डिस्टेंस 15 और 18 है, यानी कि टोटल 33, यहाँ पर भी टोटल 33 है, तो इसको अप्रोच कैसे करेंगे? कुछ इस तरीके से, मैं पहले इस चीज़ को एलिमिनेट कर दूंगा आपकी, ठीक है, एक्स माइनस वाई को एलिमिनेट कर दूंगा। किस तरीके से? देखिएगा भाई, 3 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल ज़्यादा कर रहा है तो अपनी 15 मिनट सेव कर रहा है। देखिए यहाँ पर 15 मिनट सेव हो रही है ना ये, ठीक है। अगर 15 किलोमीटर ज़्यादा चलेगा तो कितनी सेव कर लेगा? 75 मिनट सेव कर लेगा, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट सेव कर लेगा। अब ध्यान रखिए भाई, अगर ये जो 15 किलोमीटर यहाँ पर चल रहा है ये भी डाउनस्ट्रीम की स्पीड से चले तो टोटल टाइम सेव हो जाएगा कितना? 1 घंटा 15 मिनट। इसका मतलब 4 घंटे ना लगकर कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे 45 मिनट। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? 33 किलोमीटर। सो ये मैंने लिया कि भाई 33 किलोमीटर अगर एक्स प्लस वाई यानी कि डाउनस्ट्रीम से ही चले तो टाइम लगेगा 2 घंटे 45 मिनट, जिसे मैं कह सकता हूँ 11/4 आवर्स। कट किया 11 एकम 11, 11 तिया 33, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, x प्लस वाई की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं यहाँ दोनों में से, और अपना आंसर गेट कर सकते हैं। ठीक है, x माइनस वाई की वैल्यू भी आ गई आपके पास 6, आंसर क्या आ जाएगा? 9। कैसे भाई? 9 प्लस 3 12, 9 माइनस 3 6, आपको x की वैल्यू बतानी थी और ये रही आपके पास x की वैल्यू, यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। आई होप, देखिए अब एक बार देखिएगा सॉल्यूशन को, समझने की कोशिश कीजिएगा जैसे जैसे मैंने बोला है, रिपीट कर लीजिएगा अगर नहीं समझ आए तो। आगे बढ़े चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से आपका एवरेज स्पीड से क्वेश्चन, और बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था। यहाँ पे देखिए 40 किलोमीटर चल रहा है 45 मिनट में, 60 किलोमीटर चल रहा है 80 मिनट में, एवरेज स्पीड बतानी है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कुछ भी नहीं करना आपको, देखिएगा टोटल टाइम कितना लगा यहाँ पर? टोटल टाइम लगा 45 मिनट प्लस 80 मिनट, यानी कि 125 मिनट। टोटल डिस्टेंस कितना है? 40 और 60 यानी कि 100 किलोमीटर। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 125 मिनट में चल रहा है 100 किलोमीटर? ठीक है, तो 5 मिनट में चलेगा 4 किलोमीटर और 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में कितना चलेगा? तो 12 से मैंने गुना कर दिया, 12 × 5 = 60 और 12 × 4 = 48, 1 घंटे में 48 किलोमीटर चल लेगा और आंसर आ जाएगा 48। बस यही बताना था, ठीक है, क्योंकि स्पीड एवरेज क्या होती है? 1 घंटे यानी कि पर हेड या पर किलोमीटर, यही एवरेज होती है। आंसर आपके सामने है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
डू योर सेल्फ लिखा है मैंने, बोटेंस स्ट्रीम का क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने भी बोटेंस स्ट्रीम के पीछे 2 से 3 4 क्वेश्चन कराए, कल की वीडियो में भी कराया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के लास्ट की 20 सेकेंड्स में आपको लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिलेगा, प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको इक्वेशन में बता देता हूँ कि इक्वेशन में क्या कह रहा है। देखिए बोला गया है कि 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी कि 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम से जा रहा है तो x माइनस वाई, प्लस 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम यानी कि x प्लस वाई। डाउनस्ट्रीम टोटल टाइम कितना ले रहा है, 4 घंटे 15 मिनट, ठीक है, ये टाइम ले रहा है टोटल। और 9 दिया हुआ है हमें, अभी अभी पीछे निकाला ना, 9 जमा 3 12, 9 माइनस 3 6, वही है 3 आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन वापस से। और कल की वीडियो में ये सेकंड क्वेश्चन था जो अभी आया है, स्क्रीन पर देखिएगा भाई, एक गाड़ी है जो ए से बी की तरफ जाती है, ये ए है ये बी है, ए से बी की तरफ जा रही है, बी से ए की तरफ जा रही है, बीच में कहीं पर मिलते हैं, तो यहाँ पर जो टाइम लगता है ना, और यहाँ पर जो टाइम लगता है मतलब मिलने के बाद का टाइम, वो हमें गिवन है, और एक की स्पीड गिवन है, एक की स्पीड किधर है, ये रही 60 किलोमीटर। मैंने सिर्फ वैल्यूज़ पुट की हैं इस फॉर्मूला में, मैंने लिखा भी है यूजिंग फॉर्मूला, और आपका आंसर आ गया है, रिलेट कर दिया है मैंने क्वेश्चन को किस तरीके से, देखिएगा। जैसे ही मैंने फॉर्मूला में वैल्यू पुट किया और रूट एलिमिनेट किया, तो मुझे पता चलता है कि जो स्पीड ए है, ए की स्पीड, टाइम क्या आ रहा है 3, कब मिली ये 20 से गुना करने के बाद, तो नीचे भी तो 20 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 को मैं अगर 20 से गुना करता हूँ तो 40 आपका आंसर आएगा, और ये रहा 40 आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ देते हैं आगे, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा ये क्वेश्चन कल की वीडियो में पहले नंबर पर था, आई होप आपने देखी हो वीडियो, देखिएगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, 15 मिनट देरी से पहुंच रही है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, 10 मिनट पहले पहुंच रही है। कल की में लेट एंड लेट के क्वेश्चंस थे, ठीक है, यहाँ पर गैप लेना होगा भाई। मैंने बताया था कि अगर एक सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड पे कवर किया जाए, सो क्या होता है, स्पीड की रेशियो एंड टाइम की रेशियो एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाती है। स्पीड हमें यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी, ठीक है, तो इनका रेशियो हमने लिया, रेसिप्रोकल किया, 50/40 आया, रेशियो क्या आया, 5/4, डिफरेंस कितने का, 1 का। टाइम में डिफरेंस कितने का है, 15 मिनट और 10 मिनट, यानी कि टोटल 25 मिनट का डिफरेंस हो गया। 1 की वैल्यू अगर 25 है तो 4 की वैल्यू कितनी है, 100 मिनट, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, 4 की वैल्यू है 100 मिनट, कब, जब वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, लेकिन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए 10 मिनट पहले पहुंच रही है, पहले पहुंच रही है, ओके, इसका मतलब वो 10 मिनट और ले सकती है, अगर ले सकती है तो दीजिए ना 10 मिनट, 100 जमा 10, 110 मिनट उसका करेक्ट टाइम हो जाएगा। ये चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं, 25 × 125 आ जाएगा 125 मिनट, लेकिन 125 मिनट में वो कितना लेट हो रही है, 15 मिनट लेट हो रही है, इसका मतलब उसे 15 मिनट पहले पहुँचना चाहिए था, तो 125 में से 15 माइनस कर दीजिए, तब भी आपको 110 ही मिलेगा, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, सोल्यूशन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, ये क्वेश्चन एमसीडी के पेपर में आया हुआ, इसीलिए आपके सामने जो सॉल्यूशन है वो भी ऑफलाइन पेपर से ही है। क्वेश्चन दिया हुआ है, एवरेज स्पीड से ही क्वेश्चन है, 28 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, 4 घंटे चलती है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लेगी, 112 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, 5 घंटे चलती है, टोटल डिस्टेंस 150 किलोमीटर चल लेगी। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटा दौड़ती है तो 40 किलोमीटर चल लेगी, टोटल डिस्टेंस कवर किया 302 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लगा, 4 घंटे 5 घंटे और 1 घंटा, टोटल 10 घंटे, आपके पास एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, 30.2, और यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ आया हो, आगे बढ़ देते हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन दिए हुए थे इस वाले पेपर में, बोला है कि भाई 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, एक पटरी के निकट खड़े एक व्यक्ति को कितनी देर में, व्यक्ति को या पोल को अगर आपसे क्रॉस करा रहा है ना, तो ट्रेन अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है, और इसका बहुत बड़ा रोल होता है, वो वही हमने किया है। 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर का मतलब 30,000 मीटर, 1 घंटे में चलती है, 1 घंटे का मतलब 3600 सेकंड में चलती है, भाई 0 से मैंने 0 उड़ाया, पता चला कि 300 मीटर चलती है 36 सेकंड में, 100 मीटर लंबी ट्रेन है तो 100 मीटर ही तो चलाना है, 100 मीटर कितने में चलेगा, तो 3 से डिवाइड इधर किया तो 3 से ही डिवाइड इधर करेंगे 12 सेकंड में, यही आपका आंसर होगा, देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से आपका कौन सा है, अच्छा यूनिफॉर्म स्पीड का है, चलिए देख लेते हैं, और अच्छे से किया भी है सॉल्यूशन, आई होप आपको समझ आए। बोला है कि 150 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड है और 15 किलोमीटर
अगर कम कर दी जाए स्पीड तो 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं। अब 30 मिनट ज़्यादा कब लगते हैं? जब स्पीड कम हो जाती है। अगर मैं मान लूँ कि पहली स्पीड एक्स थी तो दूसरी स्पीड एक्स माइनस 15 होगी। अब भाई एक्स माइनस 15 पर टाइम ज़्यादा लगेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, टाइम ज़्यादा लगेगा। और टाइम का गैप कितना दिया हुआ है? 30 मिनट, यानी कि आधा घंटा। यहाँ से हमने क्या किया, 150 को आप डायरेक्ट यहाँ से कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब एक्स माइनस एक्स प्लस 15 आ जाएगा। आपको मिलेगा 15 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 15x, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में गुना हो जाएंगी। इज इक्वल टू 1/300 लिखा है, क्योंकि वो 150 हमने कॉमन लिया था, वो दो के साथ नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ये वाली। अब सीधा सीधा पता चलता है कि भाई 15 तिया 45 होता है, यानी कि 15 को अगर आप 30 से गुना करोगे या 300 से गुना करोगे, आपको 4500 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और 150 को, मतलब 150 को आपने 30 से कर दिया, तो आप 75 को 6 से कर दीजिए ना। ये किया ना 75 को 6 से, एक जीरो ही तो चिपकाया अलग से, 75 और 60, ये स्पीड होगी। ओरिजिनल स्पीड क्या हो गई? 75। अगर 15 किलोमीटर कम करते हो तो 60 स्पीड आ जाएगी। कम का पूछा गया हो तो 60 आंसर होगा, ओरिजिनल पूछा गया हो तो 75 आंसर होगा। आपको फैक्टर करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो अपना सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है अ ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, स्पीड यहाँ पर दी हुई है और ये एवरेज का ही क्वेश्चन है, टोटल 100 किलोमीटर चले। अब देखिए मैंने फ्रैक्शन डायरेक्ट लिखी है, मैंने नहीं लिखा 20/40, ठीक है, बाद में कट किया, क्योंकि आपको भी कुछ इसी तरीके से करना है। एलसीएम लिया, 30 आया, ऊपर गुना हो गया, नीचे सम किया 15, 18, 20, और आपका आंसर आ गया 56/60, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो, देखिएगा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी टफ नहीं है, ये देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि पड़ाव का पूछा गया है आपसे, स्टॉपेज वाला जो क्वेश्चन होता है कि भाई 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, फिर 66 की स्पीड से चल रही है। तो मैंने यहाँ पर लिया स्पीड का रेशियो, ये रहा टाइम का रेशियो, रेसिप्रोकल कर दिया, रेशियो क्या बना 22/25। कितना गैप? 3 घंटे का गैप। कितना मिनट? 180 मिनट, ठीक है। 180 मिनट पर आवर पर कितना मिलेगा? टोटल 25 आवर्स लग रहे हैं, 25 से डिवाइड किया 7/2, यही आपका आंसर होगा, ये रहा 7.2, ठीक है। स्टॉपेज वाले तो काफ़ी क्वेश्चन किए थे हमने कल की वीडियो में भी, ठीक है, ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है 8 घंटे में 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 50 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलती है, और हमें दिया हुआ है स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2.5 किलोमीटर, बताना है कि स्टिल वाटर में क्या होगी स्पीड। बहुत इजी क्वेश्चन है, कल भी तरीका बताया था, सब कुछ आपके पास गिवन है। आप एक चीज़ सोचिएगा कि यहाँ पर आपको y की वैल्यू तो गिवन है, आपको सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी है। मल्टीपल देखिए ना, ये 2.5 है, अगर आप 2.5 को प्लस करें या माइनस करें, यहाँ पर तो प्लस हो रहा है ना, किस में प्लस या माइनस करें कि 50 का मल्टीपल बन जाए? भाई 12.5 का दोगुना होता है 25, और 25 का दोगुना होता है 50, इसका मतलब 12.5 का 4 गुना होता है 50। अगर यहाँ पर 12.5 बन जाए, 12.5 कब बनेगा? जब 10 होगा, और ये जैसे ही 12.5 बन जाएगा ये 4 आ गया। अब यहाँ पर भी 4 चाहिए तभी प्लस होकर ये 8 आ सकता है, और ये कब होगा? जब यहाँ पर 7.5 होगा, और यही आपका आंसर, क्योंकि 7.5 का दोगुना कितना होता है? 15, 15 का दोगुना 30, इसका मतलब 7.5 का 4 गुना क्या हुआ? 30, इसलिए ये 4 आया और ये 4 आया, 8 हो गया, आपका आंसर आ गया 10। यही तरीका होता है जब आप अपना क्वेश्चंस को पुटअप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव, चलिए क्वेश्चन हो गए हैं खत्म। आई होप कि आपको सोल्यूशन अच्छा लगा हो। प्लीज़ न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियोस को, शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे बताइएगा, और कमेंट करके ये भी बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा उठाएं। जैसे अभी टाइम स्पीड डिस्टेंस बोट एंड स्ट्रीम एंड ट्रेन का टॉपिक उठाया, एक पेपर से कौन कौन से टॉपिक्स उठाएं, अभी SCI SI उठाएं, या परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस उठाएं, या फिर तालिका वाले जो आपके टेबल्स वाले जो DI का पार्ट आया था वो उठाएं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर।